जनवरी 2021 को, और तब ये 800 रुपए के लेवल्स में था, 930 बहुत इजीली अचीव हुआ, और आज दे रहा हूं तो ये देखिए ऊपर के लेवल 2285 का दिखाया हुआ है, और वहां से अब नीचे आया है थोड़ा सा 1900 के लगभग, तो इसलिए आज स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। 2150-2190 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। बहुत जबरदस्त कंपनी है बिरला ग्रुप कंपनी, एमपी बिरला ग्रुप कंपनी, तो सर्टनली बहुत अच्छी है। और दूसरा देखिए, मैं रेटिंग देख रहा था तो रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, और वहां पे मैं पढ़ भी रहा था तो इनको एक बहुत बढ़िया एक तो ऑर्डर अभी मिला है रिसेंटली, SWSM मतलब स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन यूपी का है, इतना बड़ा स्टेट का। तो देखिए ये ईपीसी कारोबार में है, टेलीलिंक्स बोलते हैं, लाजमी है कि ये बनाते हैं YSM केबल्स बनाते हैं, FRP रॉड्स बनाते हैं, ग्लोबोफिक्स बनाते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो मेजर वॉल्यूम इनका ईपीसी सेगमेंट से आ रहा है, केबल सेगमेंट से 40% आ रहा है। तो ईपीसी वाली कंपनियां वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत बड़ा ऑर्डर है, इनफैक्ट 5-5.5 हजार करोड़ का ऑर्डर है और 7-8 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की, सो दैट इज द बेस्ट पॉइंट। फिर मैं देख रहा था कंपनी के फंडामेंटल्स में है, तो देखिए ये 1986 से कंपनी कार्यरत है, और ये एमपी स्टेट इनफैक्ट और बिरला ग्रुप की पहले ये ज्वाइंट वेंचर थी, मैं जब इनकी नो अबाउट द कंपनी अगर कंपनी को देख रहा था, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की, अब मेजर इनकी बिरला ग्रुप की स्टेक है इसमें। और सबसे बढ़िया बात है 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, डेट्स है लाजमी है डेट्स होना क्योंकि ईपीसी वाली कंपनी है, तो वो भी बहुत कम है, डेट इक्विटी रेशियो 0.20 ओनली, बुक वैल्यू से नीचे चल रही है कंपनी क्योंकि होल्डिंग कंपनी नेचर, आप ये मान लीजिए 3-3.5 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट है कंपनी के बुक्स में, और इसीलिए मार्केट और मार्केट कैप उसके सामने 2250 करोड़ है, तो ये एक और बहुत बड़ा प्लस है। तो 0.65 की बुक प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे चल रहा है, और कंपनी के सेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है, 15-16% के लगभग। लास्ट क्वार्टर में अल्टीमेट मतलब आप सीधा डबल प्रॉफिट, मतलब 56 करोड़ से सीधा 101 करोड़ का प्रॉफिट 2023 की बात बोल रहा हूँ मैं, तो वन ऑफ द बेस्ट साल गया है इनफैक्ट में बेस्ट, तो इनफैक्ट इनका 2019 की था प्री कोरोना, बहुत जबरदस्त कमाया उन्होंने पैसे, तो इसलिए रिजर्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12 करोड़ की इक्विटी पे आज 3400 करोड़ के रिजर्व, सो दैट इज ह्यूज, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी हमें दिख ही रहा है। और आप देखिए FII GII का भी भरोसा है कंपनी पे, 11-11.5% के लगभग वो लोग भी होल्ड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और 2150-2190 के दो टारगेट के विंध्या टेलीलिंक में